श्री प्रहलाद सिंह पटेल। सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के संकल्प का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। हमारे पहले आदरणीय हुकमदेव नारायण जी ने अपनी बात कही है, मैं उनके उस सिद्धांततः विचार से अपने आप को संबद्ध करता हूं। मुझे एक तीर्थयात्री की तरह जब हिमालय पर जाने का मौका मिला, तब शायद मैं उतनी गंभीरता से उन बिंदुओं पर नहीं सोच पाया जो वास्तव में मुझे पिछले 4 सालों में जब मजदूरों के क्षेत्र में काम करने का मुझे अवसर मिला, तब मैंने उस पर जरूर विचार किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मानता हूं कि हिमालय सिर्फ हमारे लिए बैरियर नहीं है, वो हमारा संरक्षक दाता है। इस देश की संस्कृति हो, इस देश की सुरक्षा हो, इन सब के लिए अगर कहीं कोई सबसे बड़ा आधार है तो वो हिमालय है। चाहे जल मिले, जंगल मिले, जैव विविधता मिले, जीव विविधता मिले, पौध भिन्नता मिले, हम न जाने कितनी बातें कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या जिस कारण से निशंक जी इस संकल्प को लेकर आए हैं, इतने सारे विभाग हैं जिनको एक स्थान पर इकट्ठा करना मुश्किल काम है। अगर हम लोग जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात कर रहे थे, तो जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई, भारतीय जनता मजदूर मोर्चे के हमारे सहयोगियों ने, डॉक्टर दिगाई ने वो रिपोर्ट रखी थी, और वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्हें जब एक आंकड़ा दिया कि पूरे पहाड़ से अगर जम्मू कश्मीर के भेड़ों को छोड़ दें तो जो दूध देने वाले प्रजाति के जो हमारे पशु हैं वो लगभग समाप्ति की तरफ हैं, ये इतना बड़ा असंतुलन है। और उसका पीछे जो कारण है वो कारण है कि वहाँ पर जो खेती की जोत है वो कम है, खेत छोटे हैं, खेती 4 महीने से ज़्यादा होती नहीं, 7.5 महीने उन पशुओं को चराने और रखने का कोई प्रबंध नहीं है, और उस कारण से जो असंतुलन पैदा हुआ है मनुष्य और पशुओं के बीच में, जो ऊर्जा का बेहद बड़ा असंतुलन है, उसने जंगलों को भी नुकसान किया है, उसने पहाड़ों को भी नुकसान किया है, उसने हमारे ग्लेशियर को भी नुकसान किया है। ये खेती से जुड़ा हुआ सवाल है। कृषि मंत्री कितना उस पर विचार कर पाएंगे मुझे नहीं पता। जहाँ तक सवाल मजदूरों का है, मजदूरों की उसकी वहाँ की समस्याएं अलग हैं, खेती हो सकती है, वो खेत का मजदूर हो सकता है, लेकिन वहाँ पर पिट्ठू रखने वाला, वहाँ पर खच्चर चलाने वाला, मैंने ये बात अभी परसों उठाई थी जम्मू कश्मीर की, कि जिनको कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए उन पर टैक्स लग रहा है, वो ईंधन नहीं लगाते, वो पेट्रोल डीजल खर्च नहीं करते, वो अपने परिश्रम से बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए वो पहाड़ की बीच में अपने जीवन यापन को पूरा कर रहे हैं, उनको तो कार्बन क्रेडिट मिलनी चाहिए। तो कार्बन क्रेडिट तो छोड़ दीजिए, उनको उस बात की सजा मिल रही है। जो जंगल बचाने का काम कर रहा है, जो देश को बचाने का काम कर रहा है, उसको सजा मिल दी जा रही है, उसको पारितोषिक नहीं मिल रहा। और इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो श्रम मंत्रालय हो, और चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र हो, और तीसरी बड़ी ऐसी बात मैं आप सदन के भीतर करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर जोशी एक समय यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री थे, मेरा प्रश्न था, मैंने पूछा कि हिमालय ग्लेशियर मूव कर रहा है, ये विज्ञान के जितने भी अनुसंधान करता है वो इस बात को मानते हैं कि हिमालय ग्लेशियर अपने स्थान को धीरे धीरे छोड़ रहा है, उसकी गति क्या है इस पर मतभेद हो सकता है। तो मैंने प्रश्न किया था इसी सदन के भीतर कि अगर हिमालय ग्लेशियर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाए, या उत्तर से दक्षिण की तरफ जाए, या पूर्व से पश्चिम की तरफ जाए, या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए, क्या जलवायु के परिवर्तनों में उसकी हिस्सेदारी होगी? आदरणीय सभापति महोदय, आज तक जवाब नहीं है। हमें इस देश को बचाए रखना है तो हमें इन ग्लेशियर की गतिविधियों पर पूरी गंभीरता के साथ नजर रखनी पड़ेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए अलग मंत्रालय है। और अगर आपने, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैं मानता हूँ कि ग्लेशियर के मूवमेंट की दिशा अगर उत्तर से दक्षिण होगी तो उसके जलवायु के प्रभाव अलग होंगे, अगर दक्षिण से पूर्व की तरफ जाएगा, चीन की तरफ जाएगा, तो निश्चित रूप से भारत की जलवायु को अलग तरीके से प्रभावित करेगा। अगर वो ग्लेशियर हमारे अफगान की उस पर्वत श्रृंखला की तरफ मूव करेगा, चाहे वो कितनी ही धीमी गति हो, उसके अपने दुष्परिणाम अलग होंगे। और अगर वो पूर्व की तरफ मूव करता है तो जो पूर्व के हमारे पहाड़ी राज्य हैं उनकी जलवायु में भी ऐसे परिवर्तन आएंगे जिनके बारे में हमको सदन में बैठकर विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका मंत्रालय अलग है। जब कभी हम वन और पर्यावरण की बात करेंगे
और मैं उसमें भी खासकर जब बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूँ, मैं नर्मदा के क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अलग है। वहाँ पर ग्लेशियर से नर्मदा नहीं निकलती, नर्मदा एक सूखे पहाड़ों से निकलती है, जहाँ पर हम देश की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। लेकिन जब हुकुमदेव नारायण जी यादव कह रहे थे तो देखिए हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी धनी है, कितनी अपने आप में भरी पूरी है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, मुझे मेरी परिक्रमा तब पूर्ण मानी जाएगी तब मैं नर्मदा की परिक्रमा पूरी कर लूँगा। ओमकारेश्वर में जो बीच में टापू में है शिवलिंग, उसमें जल चढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं रामेश्वरम जाऊंगा और वहां से फिर जल लूंगा, और जब केदारनाथ में अपना जल चढ़ा दूंगा तब मेरी परिक्रमा पूरी होगी। मुझे लगता है कि एक रूपता के बारे में जब कोई हमें सांप्रदायिक कहता है तो उसे जवाब मिलना चाहिए कि हम हिमालय के प्रति हमारा सम्मान क्या है। और इसलिए मैं विभागों की तरफ भी कहता हूँ कि चाहे श्रम विभाग हो, कृषि विभाग हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट हो, और चाहे हमारा सुरक्षा का मामला हो, ये सारे के सारे हिमालय से, चाहे वो कश्मीर से लेकर हम नॉर्थ ईस्ट तक जाएं, वहाँ पूरे हिमालय में सुरक्षा का संकट है, ये बात सच है। और इस वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो हमारे देश को बचाने के लिए क्या कीमतें चुका रहे हैं, क्या उनको उस बात का की सजा दी जा रही है या उस बात का उनको पारितोषिक दिया जा रहा है, इस बात की वेदना है। जब हम पहाड़ के बीच में जाते हैं तो इस बात का दर्द उभरता है। और जब अभी बीच में सैलाब आए, चाहे वो भूकंप के कारण आए हों, चाहे वो केदारनाथ की घाटी में धसक के कारण आए हों, मुझे लगता है कि उस दृष्टि से जो काम होना चाहिए वो काम वहाँ पर नहीं है। और जब सरकार ने कहा कि हम किसी मकान बनाने के लिए 90% और 10% का प्रतिशत रख देंगे पहाड़ी राज्यों में, मुझे लगता है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूँगा, ये सीमा राज्यों की भौगोलिक सीमा से हटकर वास्तव में हमें इस पूरे ग्लेशियर के आसपास के हिस्सों को, इस भूगोल को फिर से एक बार चिन्हित करना चाहिए कि उस पूरी जलवायु का, उस पूरे परिवर्तनों का किन किन लोगों पर असर पड़ रहा है, उनके बारे में विचार करना चाहिए। और मैं इसलिए इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि कम से कम इस प्रस्ताव को सरकार किस दृष्टि से लेगी, मैं सिर्फ मंत्रालय भर से मैं नहीं मानता कि मंत्रालय बनेगा या उन बातों को विचार करके कोई अलग से कोई व्यवस्था बनेगी, लेकिन समग्र रूप से सोचना, एक साथ उन सारी समस्याओं को एक जगह पर उसका समाधान खोजना, इस बात को मैं मानता हूं कि इसको जरूर करना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे पहाड़ी राज्यों में 90% महिलाएँ खेतों में काम करती हैं, और मुझे लगता है कि चाहे वो चाय बागान हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति काम करती हो और उसके बारे में अलग से कभी कोई ध्यान न जाए, मैं समझता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मजदूरों के क्षेत्र में काम करते समय मुझे 2-3 क्षेत्र आए जहाँ 90% से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, उसका इससे संबंध नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जहाँ बीड़ी का क्षेत्र है, चाहे वो पहाड़ी हमारी महिला श्रमिक है या चाय बागान, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें 2 पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें 90% से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे कम बेस अगर हिंदुस्तान की धरती पर कहीं मिलता है तो इन 3 क्षेत्रों में मिलता है, और इसलिए फिर 2 पहाड़ के क्षेत्र हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इन तमाम मंत्रालयों के विवाद में पड़ना, उनका समन्वय कैसे बैठेगा, ये पहाड़ की सबसे समस्याओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो निशंक जी ने अपनी भावना प्रकट की है, मैं उन भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करता हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, और चाहे पूरा पूर्वांचल हो, मुझे इन मजदूरों के बीच में काम करने के कारण राज्यों में जाने का अवसर मिला। और इसलिए मुझे लगता है कि इन पर ज़रूर पूरी संवेदनशीलता के साथ में सदन और सरकार विचार करेगी। मैं फिर से उनकी बात का समर्थन करता हूँ, और आपने समय दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।